हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं फिल्मोरा में आए बिगेस्ट अपडेट यानी फिल्मोरा 13 के बारे में। अक्सर पहले क्या होता था कि जब भी हम कोई वीडियो या वेलोसिटी एडिट करते थे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती थी कि हमारे पास स्मूथ स्लो मोशन का जो है फीचर अवेलेबल नहीं था। उसके लिए हम डिपेंड होना पड़ता था एडमी पे प्रो आफ्टर इफेक्ट्स के ऊपर। तो अब फाइनली फिल्मोरा ने जो है ये प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया है। उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर जो है ऑप्टिकल फ्लो जो है यहाँ पर अनेबल कर दिया गया है। अब आप किसी भी वीडियो को स्मूथ स्लो मोशन दे पाएंगे, चाहे वो अपने वीडियो 25 FPS पे शूट किया हो, 30 FPS पे शूट किया हो या 60 FPS पे शूट किया हो, आप किसी भी वीडियो पे जो स्मूथ स्लो मोशन अनेबल कर पाएंगे। तो ये बड़ा कमाल का फीचर जो है अपडेट किया है फिल्मोरा 13 ने। तो शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं कैसे आप इसे यूज कर सकते हैं अपनी वीडियोज के अंदर। तो ये हमारा फिल्मोरा का सॉफ्टवेयर और यहाँ पर हमारा जो है इंटरफेस वही है जो पहले फिल्मोरा 12 में हुआ करता था। इसमें इतना बड़ा चेंज नहीं दिया गया है। सिंपली हम क्या करेंगे, वीडियो को यहाँ पर टाइमलाइन पे लेंगे। हम एक फेमस सॉन्ग लेने वाले लैम्बोर्गिनी जिसमें जैकलिन फर्नांडिस ने डांस किया था और उनके जो मूव्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं इसके अंदर। तो उनको बीट का सिंक करना और वेलोसिटी एडिट देने में जो है हमें एक अच्छा आउटपुट देने को मिलेगा, जैसा हमने अभी वीडियो के शुरुआत में देखा था। तो पहले हम यहाँ से वीडियो को कट कर लेंगे जहाँ से हम डांसिंग स्टार रही है, लेकिन यहाँ से डांसिंग स्टार्ट है तो हम यहाँ से वीडियो को स्प्लिट कर लेंगे और एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर देंगे। उसके हम जहाँ तक हमें ये चाहिए हम वहाँ तक इसे रखेंगे। तो हम यहाँ तक रखने वाले अपनी वीडियो को, एक्स्ट्रा पार्ट जो यहाँ पर डिलीट कर देंगे। वीडियो के अंदर जो सॉन्ग है उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ से इसको कंट्रोल डी करके इसकी ऑडियो को यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब हमें चाहिए एक ऐसा सॉन्ग जिसके ऊपर अच्छी बीट्स आ रही हो और बीट्स का जो इंटरवल है वो कम से कम 4 से 5 फ्रेम या 1 सेकेंड तक का हो। तो आप कोई भी वेलोसिटी बीट दे सकते हैं या यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम में कोई भी वेलोसिटी एडिट्स देख रहे हैं तो उन पे ऑडियोज़ भी यहाँ पर आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने अपना एक सॉन्ग यहाँ पर सिलेक्ट कर रखा है और मैं यहाँ से टाइमलाइन के ऊपर लेके आएंगे। याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि ऑडियो और वीडियो की लेंथ सेम हो। आप हो सके तो ऊपर वाला वीडियो थोड़ा छोटा लें ताकि हम उसको स्मूथ स्लो मोशन करें तो उसकी लेंथ जो है वो पहले से डबल होने वाली है। तो अभी हम वीडियो को प्ले करते हैं तो आप देखेंगे वीडियो जो है यहाँ पर काफ़ी फास्ट है। जो नॉर्मल FPS लाइक 30 FPS उस पर जो है वीडियो चल रहा है। हम जाएंगे फाइल एंड प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर जाएंगे और आप देखेंगे हमारा प्रोजेक्ट क्या है, 30 FPS पे जो है वीडियो रन हो रहा है। ओके करेंगे, अब यहाँ से हम करेंगे इसको स्मूथ स्लो मोशन। तो सिंपली क्या करना है, डबल क्लिक करते हैं इसमें और जाएंगे स्पीड के अंदर। आप यूनिफॉर्म स्पीड ले सकते हैं, आप स्पीड रैंपिंग ले सकते हैं। स्पीड रैंपिंग का फ़ायदा तब है जब आपके पास पहले से जो फुटेज पड़ी है उस पर आपको जो है स्मूथ स्लो मोशन अप्लाई हुआ हो। तो इसलिए हम लेंगे यूनिफॉर्म स्पीड और यहाँ से हम उसका कर देंगे 40% लेस, तो 0.40 लिखेंगे और आपकी वीडियो जो है यहाँ पर इस तरह से बढ़ जाएगी। अब इसको प्ले करते हैं तो देखिए कितना जिटर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि वीडियो जो है काफ़ी जिटर कर रही है, काफ़ी लैग कर रही है। तो इसको आप स्मूथ स्लो कर सकते हैं। आप सिंपली वीडियो को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ आपको मिलेगा AI फ्रेम इंटरपोलेटेशन। जी हाँ, सेम फीचर आपको जो है आफ्टर इफेक्ट्स या एडोबी प्रीमियर प्रो के अंदर देखने को मिलता है। अब यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा, सिंपली राइट क्लिक करना है, सिंपली क्लिक करना है इस पर और यहाँ से आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, लाइक फ्रेम बेल्डिंग, फ्रेम सैम्पलिंग जो डिफॉल्ट पे सेट होगा हमेशा, फिर होता है फ्रेम ब्लेंडिंग जो क्या करता है कि फ्रेम को ब्लेंड करने की कोशिश करता है और इसकी प्रोसेस काफ़ी फास्ट होती है, लेकिन जो क्वालिटी आपको प्रोवाइड कराएगा वो कम प्रोवाइड कराएगा। निश्चित आपका ऑप्टिकल फ्लो, अब ये क्या स्लोवर होता है, स्लोवर का मतलब ये है कि वीडियो पर स्मूथ स्लो मोशन अप्लाई करने में काफ़ी टाइम ले सकता है या थोड़ा ज़्यादा टाइम ले सकता है, लेकिन जो आपको आउटपुट मिलेगा ना उससे आप मतलब कमाल ही कर दोगे। तो यहाँ से लेंगे ऑप्टिकल फ्लो पर सेलेक्ट करेंगे। ध्यान रखिए, ऐसे फीचर्स को यूज़ करने के लिए आपके पास एक डेडिकेट GPU होना चाहिए ताकि आप इस काम को फास्ट वे से कर सको या जल्दी ख़त्म कर सको। अब आप देखेंगे हमारा जो स्मूथ स्लो मोशन है, जो हमारा स्लो मोशन है वो काफ़ी स्मूथ है, आपको ऑप्टिकल फ्लो का इफेक्ट यहाँ पर अच्छे से दिख रहा होगा। अब हमें इसको करना है वेलोसिटी एडिट। वेलोसिटी एडिट का सिंपल सा रूल है, आपकी बीट्स पर वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देना है 4 से 5 फ्रेम के लिए, उसके बाद नेक्स्ट बीट तक आपको उसको स्लो रखना है। हमें चाहिए बीट्स के लिए हम क्या करेंगे, बीट मार्कर का यूज़ करेंगे। सिंपली में अगर एक गाने को सुनना है अपने और जहाँ जहाँ बीट्स आए वहाँ पर अपने एम प्रेस करना है और आपकी बीट्स जो यहाँ पर मार्क हो जाएगी। तो यहाँ हमने बीट्स जो है मार्क कर लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर को वीडियो को वेलोसिटी रेट में कन्वर्ट करना है। अब होता क्या है, अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ, स्पीड रैंपिंग पर जाता हूँ और कोई भी इंपैक्ट उठाता हूँ लाइक फ्लैश आउट, उस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक मैसेज आता है, आर यू श्योर टू कंटिन्यू मेकिंग चेंजेस इन स्पीड रैंपिंग विल ओवरराइड द चेंजेस मेड इन वॉर्म्स एंड। यानी अभी तक जो आपने स्मूथ स्लो मोशन लगाया था वो
यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर जो है आपका फेड आउट यहाँ पर लग जाएगा। इसको कैसे हम यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं, एक तो ये तरीका कि आप इस स्मूथ स्लो मोशन को एक्सपोर्ट कर लीजिए और उसके बाद फिर से इम्पोर्ट कीजिए और उस पर स्पीड रैंपिंग कीजिए, जो एक काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेगा अगर आपका प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है तो। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, आपको एक और नया फीचर जो है मिल रहा है आपको फिल्मोरा के अंदर, वो है कंपाउंड क्लिप का। सिंपली राइट क्लिक करना है और यहाँ पर लिखेंगे क्रिएट कंपाउंड क्लिप एंड डन, और यहाँ इसको हम नाम दे देंगे ऑप्टिकल फ्लो क्लिप एंड यहाँ पर इसे कर देंगे ओके। फ्रेम्स को रेंडर करते हैं, प्ले करते हैं। अब इसका फायदा क्या, क्रिएट कंपाउंड क्लिप यानी क्रिएट कंपाउंड क्लिप मतलब जो भी इफेक्ट अभी तक आपने उस लेयर पे लगाए थे और आप इसे कंपाउंड क्लिप में क्रिएट कर देते हैं तो वो आपकी एक नई क्लिप बनकर तैयार हो जाएगी जिसके अंदर पहले दिए हुए इफेक्ट्स इन्वॉल्व होंगे। तो यानी अगर अब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और स्पीड पर जाता हूँ और कोई भी फ्लैश आउट लगाता हूँ वो अप्लाई हो जाएगा, यानी मैंने जो जितने भी इफेक्ट्स जितने स्पीड रैंकिंग पहले उस क्लिप पे लगाए थे वो उसके अंदर सेव रहेंगे और उसके ऊपर हम कोई नया इफेक्ट या नई क्लिप नई स्पीड रैंपिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो ये फायदा है कंपाउंड क्लिप का, जैसे फिल्मोरा जैसे एडोबी प्रीमियर प्रो या आफ्टर इफेक्ट्स में होता है नेस्ट करने का। तो ये भी कमाल का फ्यूचर है कि आपको जब पूरी फाइल या पूरे प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट नहीं करना पड़ेगा दोबारा से चेंजेस करने के लिए। अब हम यहाँ पर अपनी वीडियोस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, लाइक मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ फास्ट हो तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा स्प्लिट, उसका मैं चाहता हूँ यहाँ से फास्ट हो तो मैं इस क्लिप पे लगाऊंगा फिर इस क्लिप पे। तो जो जो पार्ट्स जहाँ जहाँ आप फास्ट मोशन लगाना चाहते हैं उस पे आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली एक क्लिप को उठाना है और यहाँ पर जाएंगे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम जाएंगे फेड इन का ऑप्शन, फ्लैश इन को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। हमने हर क्लिप पर क्या करना है, फ्लैश इन यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देना है या बीट्स पे कट करके लगा के वहाँ पर भी फ्लैश इनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और आपके जो है यहाँ पर एक अच्छा खासा वेलोसिटी एडिट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और इस तरह से आप वेलोसिटी एडिट क्रिएट कर सकते हैं फिल्मोरा के अंदर विद द हेल्प ऑफ न्यू ऑप्टिकल फ्लो फीचर्स। तो यहाँ पर आपको जो है फिल्मोरा 13 देखने को मिल गया है, वेबसाइट से नीचे गए लिंक पर आप क्लिक कीजिए और वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए या अपने फिल्मोरा 12 को अपडेट कीजिए, क्रिएट कीजिए न्यू एडिट्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।